सतरंग की वीडियो देखने के लिए सतरंगी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक एवं कमेंट करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल हमेशा सामाजिक बुराइयों को दिखाते हुए और हमेशा नए नए वीडियो आते आ रहे हैं, और आज का मेरा वीडियो है जो एक शराबी पर है, एक साधु पर है। इसमें हम दिखाने की कोशिश ये किए हैं कि शराब जो है एक आम आदमी को छोड़िए साधु संत को भी ऐसा बर्बाद कर देता है, उसका दिमाग को अपने बस में कर लेता है, और जो नहीं करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। तो आम आदमी की क्या बात है। तो दोस्तों आज का इस वीडियो को देखिए और मजा लीजिए, और दारू को शराब को अपनी जिंदगी से दूर रखिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शराब ना पिए और किसी को दुनिया में ना दें। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये रहा हमारा वीडियो। अरे कौन है बाबा, आप इतनी रात को कहाँ से चले आ रहे हैं? बच्चे हम जा रहे थे जग करने के लिए। अच्छा, रात हो गई, अब सोचा कि जंगल में, आगे जंगल है, जंगल में जाएंगे शेर बाघ खा जाएगा। सोचा कि इधर गांव देखा है, तो गांव पर आते देखा कि गांव है, तो आपके पास गेट देखे खुला। अरे क्या बात है बाबा, कहिए ना, क्या आपके आदेश करूं? बच्चे को शरण खड़ा दे दीजिए, दूरा दूरा दरानते हम रह जाएंगे। अच्छा बाबा, सुबह फिर यहाँ से चले जाएंगे। बाबा द्वार पर क्यों, अंदर में आइए। आइए 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 बाबा, आइए, समझिए कि ये आपका ही घर है। आइए आ करके यहाँ बैठिए बाबा, बैठिए। बच्ची इस पे रख दूं इसे? जी बाबा यहीं रखिए। बाबा ये तो आप ही का घर है। ठीक है बच्ची जी, अब जाइए, हम यहाँ आराम करते हैं। क्या बाबा, हम आपको खाना लाते हैं खाने के लिए, आप खाना खा लीजिए और तब आराम कीजिएगा। नहीं बच्चिया, हम इधर घर का भोजन नहीं करते हैं। क्या ये क्या बोल रहे हैं बाबा, आप भूखे सोइए ना। बाबा हम आपके लिए खाना लाते हैं, क्योंकि मेरे द्वार पर जो कोई भी आता है भूखे नहीं सोता है, इसलिए हम खाना लाते हैं बाबा, आप खाना खा लीजिए तब आराम करिए। देखिए बाबा, आप भोजन नहीं करिएगा ना हमारे घर का, तो आप जिस दरवाजे से हैं आप उसी दरवाजे से चले जाइए मेरे यहाँ से। भगवान, हम तो समंजन है पड़ गए, अब बाहर जाते हैं तो शेर बाघ खा जाएगा, और यहाँ खाना खाते हैं तो मेरा धर्म चल जाएगा। इससे अच्छा है कि जान से अच्छा है कि धर्म ही खराब कर लेते। आप क्या सोच रहे हैं बाबा, कुछ बताइएगा। मनोकामना पूरा कर देते हैं, जाओ खाना लेकर। ये हुई ना बस बाबा। बाबा मैं जाती हूँ, अभी खाना लेकर के आती हूँ। खाना में क्या चीज बनाया हूँ? जी बाबा, मेरे पास खाना में शराब कबाब सबाब है। ये कौन खाना है बच्ची, हम तो इस खाना नहीं सुने बाबू। आप क्या जाने के साधु महात्मा, आदमी खाना ये सब क्या होता है। जी बाबा मैं लेकर के आती हूँ। नहीं बच्ची रुक जा। बाबा मैं इसके बारे में समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। शराब मतलब दारू होता है, कबाब मतलब मीट मुर्गा होता है, और सबाब में मतलब मैं खुद ही हूँ। क्या सोच रहे हैं आप, कुछ सोचने लगे फिर? ठीक है बच्ची, जाओ शराब लेके आओ, शराब फल फूल का बनता है, वही हमारे लिए ठीक होगा। ठीक है बाबा, अभी लेकर के आती हूँ, ठीक है ना? ठीक जी बाबा, ये लीजिए शराब आपका। आ गया। छी छी, ये क्या दे दी हमें, ये तो जहर खाने है। बाबा आपने तो मांगा था शराब, तो मैंने शराब लाई आपके लिए। कुछ खाने के लिए तो बच्ची तो बहुत जलन टाइप हो रहा है। बाबा आपको जलन हो रही है? यहाँ बच्ची बहुत जलन हो रहा है। बाबा मेरे पास एक ही चीज है, वो है कबाब। बाबा वो हम लाते हैं आपको। मीट मुर्गा खा के आओ, हम अपना धर्म खराब कर रहे हैं, हमसे नहीं हो। तब तो बाबा जब मीट मुर्गा नहीं खाइएगा तब तो हमारे घर से जा सकते हैं आप। ठीक है जाओ बच्ची लेके आओ। ठीक है बाबा, जाती हूँ लेकर के आती हूँ, ठीक है ना बाबा? जी बाबा ये लीजिए, और चखिए, चख करके बताइए कि कैसा बना हुआ है। बच्ची ये तो लगता है मुर्गा मीट है।
इससे अच्छा तो झोरवे दे दीजिए, मुर्गा नहीं खाने। तो बाबा झोर खा कर तो पहले देखिए कैसा बना है। क्या हुआ बाबा, कैसा लगा? मान गए भाई, अच्छा लगा। ऐसा चीज तो कभी पहले नहीं खाया। अच्छा, बहुत सवाल बने। जब झोरवा खाइए गए और झोरवा अच्छा लगने किया तो पिसो खाइए, पिसो में मजा मिलेगा आपको। चलो मान गए, एक पीस खा ही लेते हैं। हाँ हाँ खाइए बाबा। वाह जिंदगी बन गया। मैं कहा था ना बाबा कि झोर को अच्छा लग ही रहा है और पीस भी अच्छा लगेगा। जो पहले बच्ची जो लाई थी जो दरुआ बोले थे कि दारू है थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा लगा था। अच्छा तुम लाए बाबा? हाँ ला ला, बच्ची लाओ थोड़ा सा। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है इसी में लेकर के आऊंगी जी। लीजिए बाबा लीजिए। तीसरा चीज क्या था बच्चे? तू माफ करने के लायक नहीं है, तुझे तो सजा मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए। नहीं माँ, हम सब समझ गए माँ, आप साफ कर कभी नहीं।